नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एसबीआई ने सीबीओ वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी एसबीआई ने अभी सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे कुल 1422 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई सीबीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसबीआई सीबीओ का एग्जाम बैटर क्या होगा, एसबीआई सीबीओ की सैलरी क्या रहेगी, एसबीआई सीबीओ का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में, एसबीआई सीबीओ वैकेंसी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर नोटिफिकेशन 2022 का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती आपको, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स क्लिक करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, एसबीआई सीबीओ भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सर्कल बेस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ट ऑफिसर्स के 1422 पदों पर ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसबीआई सीबीओ भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें, आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सर्कल बेस्ट ऑफिसर वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर वैकेंसी की। रेगुलर वैकेंसी की अगर बात करें, तो नॉर्थ ईस्टर्न आपका जो जोन है यानी सर्कल है, उसमें अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्य में है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में। इन सभी में अगर बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट है, एसटी के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 81 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, जनरल के लिए 122 है। तो टोटल अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न में तो 300 पदों के लिए क्या अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अगर बात करें आपकी जो भुवनेश्वर सर्कल है, उसमें अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से जोन में कितनी पोस्ट है, इसमें अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी अगर बात करें तो इसमें 26 पोस्ट है, सॉरी एससी की 26 पोस्ट है, एसटी की 13 पोस्ट है, ओबीसी की अगर बात करें तो 47 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो इसमें 70 पोस्ट है और जनरल की अगर बात करें तो 72 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 175 पोस्ट आपकी भुवनेश्वर जोन में। भोपाल जोन में अगर बात करें तो जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए एससी कैटेगरी की 26 पोस्ट है, एसटी की 22 है, ओबीसी की 47 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्ट है और जनरल की 71 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें 175 पोस्ट आपकी भोपाल सर्कल में। हैदराबाद में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन स्टेट है, तेलंगाना, इसमें एससी कैटेगरी 26 पोस्ट है, एसटी की 13 है, ओबीसी की 47 है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 17 है और जनरल की अगर बात करें 175 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल सर्कल में अगर बात करें तो इसमें वेस्ट बंगाल, सिक्किम और इसमें अगर बात करें तो आइसलैंड आदि में, अंडमान निकोबार में क्या है आपकी। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल इसमें 175 पोस्ट है, जिसमें से 26 पोस्ट एससी की है, 13 पोस्ट एसटी की है, 47 पोस्ट ओबीसी की है, 17 पोस्ट आपकी इसमें ईडब्ल्यूएस की और 72 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं इसमें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो इसमें महाराष्ट्र और गोवा दो आते हैं, और जिसमें 30 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए, 15 एसटी के लिए, 54 आपकी ओबीसी के लिए, 20 ईडब्ल्यूएस के लिए और 81 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल अगर बात करें 200 पोस्ट है। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर सर्कल में आता है आपका राजस्थान, इसमें आती है 30 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए, 15 पोस्ट एसटी के लिए, 54 पोस्ट आपकी है वो ओबीसी के लिए, 20 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और 81 पोस्ट है वो जनरल के लिए। टोटल अगर बात करें 200 पोस्ट है वो जयपुर सर्किल में। टोटल अगर बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 158 पोस्ट है, सॉरी टोटल अगर बात करें 1400 पोस्ट है, 1400 में से अगर बात करें एससी के लिए 158 है, एसटी के लिए 107 है, ओबीसी के लिए 272 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 110 है और जनरल के लिए 453 है। तो इस तरह से आपसे क्या 1400 पद है वो आपकी क्या रेगुलर वैकेंसी है। बात करते हैं बैकलॉग की। बैकलॉग में अगर बात करें तो इसमें भोपाल में अगर बात करें तो भोपाल में कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
आपकी एससी और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है टोटल, और टोटल इसमें 8 पोस्ट है। हैदराबाद में, तेलंगाना में एक पोस्ट है और वो पोस्ट आपकी एसटी कैटेगरी की है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 12 पोस्ट है, 12 एसटी की है। जयपुर में अगर बात करें तो एक पोस्ट है और वो एक है वो किसमें है, ओबीसी में है। टोटल गैप 22 पोस्ट आपकी बैकलॉग की है। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो मेरे पास सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इसकी अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपके पास के कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, 17 अक्टूबर को इन्हें आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगर बात करें एसबीआई सीबीओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के बारे में तो आपके फॉर्म 18 अक्टूबर से भरने शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 7 नवंबर तक भरे जाएंगे। अगर बात करें फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आपकी फीस जमा करने की रखी गई डेट। और एसबीआई सीबीओ कोलेटर की अगर बात करें तो नवंबर के लास्ट वीक तक आपके आपके जो एडमिट कार्ड वो जारी कर दिए जाएंगे। एसबीआई सीबीओ एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका 4 दिसंबर 2022 को आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। एसबीआई सीबीओ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। सब्जेक्टिव में आपके 120 नंबर का होगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव में 120 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव का 50 नंबर का रहेगा, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एसबीआई सीबीओ का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, सॉरी रिटर्न एग्जाम होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एसबीआई सीबीओ एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो पार्ट ए इसमें क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा जो ऑनलाइन रहेगा। इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, बैंकिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल आपका 120 क्वेश्चन होगा, 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर ऑनलाइन होगा। एसबीआई सीबीओ परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 120 अंकों के लिए 4 खंड होंगे इसमें, यानी 4 पार्ट होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग रहेगी। तो ये आपका पेपर होगा। सबसे बड़ी बात इसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 अंक की। अब बात करते हैं एसबीआई सीबीओ का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनक्विलिटीज, सिलोलिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशियंसी, वर्ड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और वर्बल रीजनिंग संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो आपको 50 प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जाए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वांटिटीफिकेशन, डेटा सफिशियंसी, मेंसुरेंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगी सबसे ज़्यादा आपकी करंट अफेयर आती है, बैंकिंग जीके आती है और स्टैटिक जीके आती है। इसके अलावा जीके अपडेट, करेंसी, इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट प्लेस, बुक एंड ऑथर, अवार्ड, हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, इंपॉर्टेंट डे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा उसका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी आपका रहेगा, वो होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये आपका 30 मिनट का होगा। इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, इसमें लेटर राइटिंग होगी, एक क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का और एससी होगा 250 वर्ड आपको कम से कम बैंकिंग से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का होगा और 30 मिनट में आपको ये पेपर है वो आपको हल करना है। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। एसबीआई सर्कल बेस्ट ऑफिसर सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी 36,000 रुपये बेसिक सैलरी हो स्टार्टिंग में, उसके बाद आपके 1,490 रुपये के साथ प्रमोशन होंगे,
उसके बाद आपकी सैलरी 46,430 रुपये हो जाएगी, उसके बाद आपकी 1740 की दो प्रमोशन होंगी, 49,910 रुपये हो जाएगी, उसके बाद आपकी 990 रुपये की सात प्रमोशन होंगी। इस तरह से आपकी टोटल सैलरी जब आपका रिटायरमेंट होगा जब तक 63,840 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये SBI की लेटेस्ट वैकेंसी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो जरूर अप्लाई करें। साथ में हमने डिस्कस किया कि SBI CBO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, SBI CBO का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, SBI CBO का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर भर्ती 2022 के बारे में जाना जरूर था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ भी आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।